तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के वायरल वीडियो के बारे में जहां पर शी क्रॉस द लाइन एंड उसके वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिला। जी हां गाइस, इंदौर से ये वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल जाने लगा सोशल मीडिया में, जहां पर आप लोग देख ही सकते हो कि एक वुमेन जो कि काफी ज्यादा अंडर ड्रेस्ड है वो पब्लिक रिएक्शंस ले रही थी लोगों का एंड उस वीडियो को वो पोस्ट की। ऑफकोर्स ये वीडियो पोस्ट करने की वजह से उनको सोशल मीडिया में काफी ज्यादा बैकलैश मिला कि ये इनडिसेंट हरकत पब्लिकली बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये खाली अटेंशन सीक करने के लिए ऐसा कर रही है एंड स्टफ लाइक दिस। बट गेस व्हाट, ये वीडियो एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय तक जब पहुंचा वो भी उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहे कि इस वुमेन को ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए था पब्लिकली एंड स्पेशली इन अ कल्चरल सिटी लाइक इंदौर। नॉट ओनली दिस, इसके बाद बजरंग दल एंड और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करने लगे पुलिस से एक्शन कि इस वुमेन के खिलाफ एक्शन लो जल्द से जल्द। ये बैकलैश मिलने की वजह से ये वुमेन लाइव आई एंड सॉरी बोली पब्लिकली सबको। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, मुझे लगता है बहुत गलत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा चीज रिवील की है। जी हाँ गाइस, भुवन बाम यूट्यूब के तो स्टार है, ये तो हम लोग को पता ही है, बट अभी तक वो बॉलीवुड क्यों नहीं पहुंच पाए, उनका कुछ भी प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया। वेल, इससे रिलेटेड रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब सवाल पूछा गया कि क्या उनको बॉलीवुड की तरफ से ऑफर्स वगैरह आए हैं या नहीं, तो भुवन बाम कंफर्म करके बोले कि उनको बहुत सारे ऑफर्स मिले बट कोई भी ऑफर उनको ढंग का नहीं लगा, कुछ भी सब्सटेंशियल रोल उनको नहीं मिला। नॉर्मली जैसा सोशल को स्टार्स मिलता है एक साइड जैसा रोल, वो ही मिल रहा था उनको भी। एंड ऐसा भी नहीं है कि उनको एकदम लीड रोल चाहिए, उनको सपोर्टिंग रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी कुछ बढ़िया एंड अच्छा सा होना चाहिए ना। फिर वो ये भी बताया कि वो मल्टीपल मीटिंग्स में भी गए हुए हैं बॉलीवुड की तरफ से, बट वहां पर खाली उनको प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग लोग मिले, विच शोस की काइंड ऑफ उनके नंबर्स के लिए उनको बुलाया गया था, डायरेक्टर भी वहां पर नहीं थे। फर्दर रेडिट में Q&A सेशन हुआ था उनका, जहां पर उनसे इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, एनी प्लान्स टू वर्क इन बॉलीवुड मूवीज, जहां पर वो जवाब दिए थे बॉलीवुड इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ऑफर मेरे को मिल रहा हो मैं ले लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट वर्थ इट होना चाहिए। बट यार, टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, तो भुवन बाम शाहरुख खान के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील करके बताया। जी हां गाइस, आप लोगों को तो याद ही होगा कि 5 साल पहले T2 टॉक्स के एक एपिसोड में शाहरुख खान फीचर किए थे। वेल, उससे रिलेटेड जब एक पर्सन क्वेश्चन पूछे कि शाहरुख खान के कुछ बिहाइंड द सीन मोमेंट्स बताओ, तब भुवन बाम रिवील करके बताए थे कि वो अपने वीडियो के लिए कुछ ऐसे जोक्स लिखे थे जो कि शाहरुख खान की टीम ने मना कर दिया था कि ये सब जोक्स मत रखना, इसको हटा दो। वो जाकर साइड में शाहरुख खान से चुपके से पूछ लिए थे कि सर मैंने ये जोक्स लिखे हैं, क्या ये परफॉर्म कर सकते हैं, जिस पर वो रिप्लाई किए थे करना बिंदास। बाकी जब मैंने उनको स्क्रिप्ट रीड करके बोला था वो एक ही बार में सब डायलॉग याद कर लिए थे, इट वाज अ क्विक शूट। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सटन वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। तो मैक्सटन फुकरा इंसान के एक फैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होकर ये रिप्लाई दिए। जहां गाइस, बेसिकली फुकरा इंसान के एक फैन की तरफ से ऐसा पोस्ट आया था कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर इन जैसा दोस्त ना पालो अभिषेक मलान, जिसके नीचे 4 यूट्यूबर्स के फोटोज का डाला गया था, क्रेजी दीप, मैक्सटन, जैगो गिल एंड वैलेंस। अब मैक्सटन ये पोस्ट को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए एंड वो नीचे ये स्ट्रेट अवे रिप्लाई दे दिए, हाँ जासूस जैसा कुत्ता पालो जो भौंकने के साथ सिंपैथी स्क्रिप्ट भी लिख दे, अरे अरे ये गरीब को पैसे देने वाला सेगमेंट ऐड कर देते हैं, बहुत सिंपैथी मिलेगी, अरे अरे फिर से एल्विस जीत गया, वापस से सिंपैथी सेगमेंट ऐड कर दो। जिस पर वो फैन रिप्लाई करते हुए कहे कि तेरे जैसा गद्दार दोस्त मैंने नहीं देखा, अभिषेक ने तेरा कुछ नुकसान भी नहीं किया, बस अब वीडियोस में नहीं बुलाता, तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो, एंड कौन सा गरीब तुझे जो एयर जॉर्डन देता था उसकी बात कर रहा है क्या गरीब, एंड एक थप्पड़ खा के एल्विस को बाप बनाने वाले जासूस किंग को कुत्ता बोलेगा क्या। जिस पर मैक्सटन रिप्लाई किया, अबे 100 रुपीज में ट्वीट करने वाले फैन पेज, मैं और नियॉन मैन जीते थे जॉर्डन हाइड एंड सीक में, ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो जहां पर वो ये शूज को जीते थे। आगे वो कहे मेरे को असली जूता मिला और नियॉन मैन को नकली, क्योंकि ब्रांड ने सिर्फ नकली गुची जॉर्डन भेजा था फुकरा को, तो मैंने असली वाला जॉर्डन दे दिया था नियॉन मैन को, तब जाकर अगले वीडियो में मेरे को जॉर्डन मिला था। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो जहां पर फुकरा इंसान उनको जॉर्डन्स दिए थे, जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। बट यार, क्या इस सिचुएशन के ऊपर फुकरा इंसान भी अपना रिएक्शन दिए? वेल, उनके एक फैन पोस्ट करके ऐसा क्लेम किए, जैसा कि आप देख सकते हो ये फैन क्लेम किए कि आगे से वो फुकरा इंसान को मैसेज किए थे कि आप 2 मिलियन कर दो, तो फुकरा इंसान रिप्लाई किए थे मैं बचे हुए भी कम कर दूंगा। टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट कि मैक्सटन का जब एल्विश के साथ कंट्रोवर्सी हुआ था तब 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे, तो वही वो फैन फुकरा इंसान को अपेरेंटली बोल रहे थे कि आप भी कंट्रोवर्सी कर
लो, 2 मिलियन करवा दो इनके। बट मैक्सटन को लगता है कि शायद से ये रियल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने प्रूफ मांगा, पहले पूरा स्क्रीनशॉट दे ताकि कंफर्म करूं असली अकाउंट है या नकली, फिर देता हूं रिप्लाई उसी हिसाब से। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा रिसेंट टाइम्स में इतने इनएक्टिव क्यों हो गए, इस चीज के बारे में वो बात की है। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में इस चीज को एड्रेस करते हुए ये कहे। हाँ जी डार्लिंगो, बहुत दिन से सब लोग कहते हैं अरे पूरव भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले, स्टोरीज पे एक्टिव नहीं हो, ये नहीं हो। यार मैं कुछ पर्सनल काम कर रहा था, पता लगेगा आपको जल्दी, बाकी आई एम बैक जल्दी, नई नई बातें डालता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी अपने न्यू बॉर्न बेबी एंड वाइफ के ऊपर अपडेट दिए। यस गाइस, कल वो इंस्टाग्राम में अपने न्यू बॉर्न के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसके कैप्शन में वो अपडेट देते हुए लिखे, थैंक यू फॉर ऑल काइंड विशेस एंड लव, बोथ जूली एंड बेबी आर हैप्पी एंड हेल्दी। एंड ऑफकोर्स इस फोटो में उनके डिफरेंट लुक को देखकर उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आए, जैसे कि ये वाला, ध्रुव लुकिंग लाइक अ टिपिकल इंडियन डैडी। बट यार लोग एक और चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे ध्रुव राठी अपने बेबी का फेस रिवील कर दिया सोशल मीडिया में। बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने न्यू बॉर्न बेबी का फेस रिवील नहीं करते फॉर डिफरेंट रीजंस। तो इस चीज के ऊपर भी एक कमेंट आया था कि नो हाइडिंग फेस, नो सुपरस्टिशियस बीएस लाइक मोस्ट ऑफ देम ऑन सोशल मीडिया, ओनली सिंपलिसिटी एंड करेज इन दोस ड्रीमी आईज, मोर पावर टू यू एंड योर लवली फैमिली। एंड इस कमेंट को ध्रुव राठी भी लाइक किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल गॉट ट्रोल्ड एंड उस चीज पर वो अपना रिप्लाई दिए। जहां गाइस रिसेंटली ईसीएल टूर्नामेंट हरियाणवी हंटर्स जीत लिए एंड रजत दलाल वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। वेल ये जीत के बाद एलविश यादव अनाउंस किए थे कि वो अपने टीम को एक इंटरनेशनल ट्रिप स्पॉन्सर करेंगे, बट रजत दलाल उस ट्रिप में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू अ रीजन। आप खुद ये वाला क्लिप देख लो भाई, इंटरनेशनल ट्रिप है अपनी साइड से हरियाणवी हंटर्स टीम को जीतने के। भाई भाई रजत तो जा ही नहीं पाएगा, चलो कोई नहीं, तुम चले जाना, मेरा पासपोर्ट सब तो। तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए रजत दलाल लिखे, यूनाइटेड किंगडम वाले यूके की जगह अभी उत्तराखंड वाले यूके से काम चला लेंगे हम, कोई बात नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक इंडियन यूट्यूबर अपने साउथ कोरिया के रेसिस्ट इंसिडेंट के बारे में बात किया एंड दैट क्लिप इज गोइंग वायरल। जहां गाइस बेसिकली नोमैडिक इंडियन 3 दिन पहले साउथ कोरिया से रिलेटेड अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किए थे एंड करेंटली ये क्लिप ट्विटर वगैरह में काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। तो बेसिकली मैं ना उधर खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, सभी लोग बातें कर रहे थे, तो मैं कैमरा के ऊपर वीडियो बना रहा था और मैं कोई इतना तेज बोलता भी नहीं हूँ यार। हो सकता है कि गलती से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज्यादा हो गई होगी, तो अगर मान लो गलती से आपकी आवाज़ ज्यादा हो जाए तो बंदे क्या करेंगे, आपको बोलेंगे थोड़ा थोड़ा शांति से, वो प्यार से बोल देते। नॉर्मली मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, शायद आज नहीं रखा होगा, मैं तो खुद की गलती मान रहा हूँ। भाई वो बंदा है ना सामने से ऐसे बोलता कि क्या कर रहा है, मतलब कि उसके एक्सप्रेशन पे इतना ज़्यादा एंगर था। और सेम नेक्स्ट टेबल पे 2 कोरियन बंदे आपस में बैठे थे, वो मेरे से ज़्यादा तेज बातें कर रहे थे। मतलब उस टाइम तो मैं हो गया चुप, कोई बात नहीं, मैं वीडियो बाद में देखूंगा। सेम चीज़ मेरे साथ बस में हुई थी, जो बस वाला भाई था उस टाइम मैं फोन पे बात कर रहा था, फोन के ऊपर मैं एकदम नॉर्मल आवाज से भी धीरे बातें कर रहा था, और भाई वो बंदा बोलता कि तू बातें मत करो, और पीछे से ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। तो कोरिया के अंदर भाई ये एक सच्चाई है, अगर आप कोरियन नहीं हो आप सच में देख लेना, यहाँ पे जो कोरियन बंदे हैं ना आपस में एक दूसरे को जब एक दूसरे की बेइज्जती करनी होती है तो उसको फिलिपिनो बोलते हैं, चिढ़ाते हैं। इस टाइप वाला रेसिज्म सच में है कोरिया के अंदर, और ये आपको कई बार लोगों के चेहरे पे दिख जाता। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मनु भाकड़ के बारे में। तो मनु भाकड़ को इस चीज के वजह से थोड़ा सा हेट मिल रहा था एंड वो एक सैवेज रिप्लाई दी। जहां गाइस जब से मनु भाकड़ ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी तब से वो बहुत सारे इवेंट्स वगैरह अटेंड की एंड वहां पर वो अपने ब्रॉन्ज मेडल को लेकर घूमती है एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे फोटोज भी उनके क्लिक किए जाते हैं एंड ये सोशल मीडिया में वायरल जाता है। तो इस चीज को लेकर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई कहीं पर भी ये जाती है अपना मेडल को क्यों नहीं छोड़ती है, कितना पीआर करेगी अपने एक ब्रॉन्ज मेडल को लेकर। वेल इस चीज को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है तब वो जवाब दी, आई विल, व्हाई विल आई नॉट, मैं अपने मेडल को क्यों ना लेके जाऊं। एंड फर्दर उन्होंने ये भी चीज क्लैरिफाई करके बताया कि वो इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स उनसे डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने मेडल को लेकर आना ताकि हम लोग देख पाए। जिस पर वो रिप्लाई दी, एवरीवन हैज दिस फीलिंग टू सी द मेडल एंड इसीलिए मैं अपने साथ उसको कैरी करती हूं। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर इंडियन थिएटर एंड सिनेमा से रिलेटेड एक बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात किए। जहां गाइस रीसेंट टाइम्स में काफी कम लोग थिएटर्स जा रहे हैं मूवीज देखने के लिए एंड ज्यादातर लोग ओटीटी वगैरह ही प्रेफर करते हैं। वेल इसके पीछे एक बड़े रीजन के बारे में बात करते हुए करण जौहर कहे कि फूड कॉस्ट इन थिएटर्स इज अ बिग रीजन। उन्होंने बताया कि वो खुद कुछ फैमिली मेंबर से पर्सनली बात किए एंड मैक्सिमम लोग यही बोले कि जब भी वो सिनेमा हॉल्स विजिट करते हैं अपने बच्चों के साथ, पूरे फैमिली के साथ, तो बच्चे जब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको पॉपकॉर्न दे दो, ये दे दो, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अप्रोक्सीमेटली अ फैमिली ऑफ 4 को 10,000 तक का भी खर्चा हो जाता है एक मूवी देखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स यार सभी फैमिलीज ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड इसीलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग कम मूवीज में जाएं एंड उससे बेहतर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर लें।
है। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक पर्सन जो कि 17 साल पहले किडनैप कर लिए गए थे, वो लॉयर बने बड़े होकर एंड फाइनली अपना रिवेंज लिए। जहाँ गाइस 2007 में इनको किडनैप कर लिया गया था एंड एक रैंसम मांगा गया था 55 लाख रुपीज फ्रॉम हिज फैमिली। एंड इस दौरान उनके फादर वॉज शॉट ऑल्सो। तो जब वो बड़े हुए, ही बिकेम अ लॉयर, वो अपना केस लड़े एंड इवेंचुअली वो सारे किडनैपर्स के खिलाफ अपना रिवेंज लिए। दे ऑल गॉट अरेस्टेड, उनको सेंटेंस कर दिया गया टू लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड 1 लाख रुपीज फाइन ईच। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दी अमित बाबा एनिमेशन ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन एमसी फ्लेम ने कंप्लीट कर चुके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली द गौरव जैन को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड एक अनएक्सपेक्टेड चीज को खा लिया जिसके बाद उनके तरफ से इनसेन रिएक्शन आया। जहां गाइस बेसिकली जब वो फिलीपींस गए थे, वो स्ट्रीट फूड से एक पर्टिकुलर फूड आइटम खा लिए एंड उसको खाने के बाद वो रियलाइज किए कि दैट वाज पिग्स ब्रेन। भाई जैसे ही उन्होंने सुना कि वो क्या है, उनके तरफ से कैसा रिएक्शन आया आप देख लो। बट यहाँ तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क एंड इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में। तो गाइस, क्या इलॉन मस्क एंड जॉर्जिया मेलोनी आर डेटिंग? वेल गाइस, हुआ क्या कि रिसेंटली एक अवार्ड शो हुआ था जहाँ पर इलॉन मस्क इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को एक अवार्ड दिए थे एंड व्हाइल गिविंग द अवार्ड वो इनके लिए एक स्पीच भी दिए थे, बहुत अच्छा सा, कि शी इज मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड देन शी इज ऑन द आउटसाइड। मैं उनको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है अपने कंट्री के लिए, शी इज वेरी ऑथेंटिक, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। तो ये वाले क्लिप को रीशेयर करते हुए जॉर्जिया मेलोनी कही थैंक यू इलॉन। एंड इस इवेंट से उनके कुछ ऐसे फोटोज भी आए थे जिसके वजह से डेटिंग रूमर्स भी स्पार्क हो गए थे, जिसको एड्रेस करते हुए इलॉन मस्क स्ट्रेट अवे मना करते हुए कहे वी आर नॉट डेटिंग। सो यहाँ तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।